नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृतसरी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ राजधानी पटना से छठ महापर्व के अवसर पर। नमस्कार जी, अपना परिचय देंगे। रामलाल खेतान, पूर्व अध्यक्ष बिहार उद्योग संघ। छठ महापर्व के अवसर पर क्या संदेश देंगे आप? छठ महापर्व जो है ये सूर्य की उपासना का पर्व है। इसमें डूबते सूरज और उगते सूरज दोनों की पूजा की जाती है, और सूर्य के बिना पूरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं हो सकता है। उसकी उपासना सभी के लिए आवश्यक है, उसका रूप अलग अलग है। और छठ से माहौल बिहार में से लगता है कि भाई छठ पर्व 12 महीना रहे, उससे इतना शहर में सफाई रहता है, लोगों की भावना शुद्ध रहती है, इसलिए इससे अच्छा पर्व शायद हिंदुस्तान में और कोई नहीं। 4 दिन का ये महापर्व जो है उसमें देखते हैं पारिवारिक एकता, सामाजिक एकता जो है बहुत अच्छा रहता है, साथ ही साथ महिलाओं के प्रति लोगों का जो सम्मान रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। 4 दिन के बाद सब गायब हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जबकि सालों भर हमेशा रहना चाहिए, प्रकृति का नियम है जी। ये आदमी जो सामने होता है उसे याद रखता है, और वो जैसे बीत जाता है उसे लोग भूल जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन हम लोग कोशिश करनी चाहिए कि जो हम लोग का जो व्यवहार रहता है छठ के दौरान चारों दिन, वो व्यवहार आजीवन रहे तो धरती स्वर्ग बन जाए। इसमें तो दो मत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता। समाज से अपराध भी खत्म हो जाएगा, ऐसा संभव हो नहीं पाता ना, कहना बहुत आसान है लेकिन खुद कोशिश कर सकते हैं। भाई आप शहर को देखिए ना कि शहर इस समय कितना साफ सुथरा रहता है, जी जी। बाद में वही लोग गंदगी फेंकते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अगर इसको आजीवन अपना ले नियम को तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कुछ कहेंगे? वो आप ही बोल दिए होंगे। धन्यवाद।